बुलाने को एक बोतल बाथरूम में रख देती हूँ कल के लिए, और किसी को इसमें घुसने नहीं दूंगी। बाहर से ताला लगा देती हूँ। प्रेशर तेज है, लेटरिंग बंद है, अब क्या करूं? अबे तेरी लेटरिंग बंद है तो डॉक्टर को दिखाना, वरना पेट फट जाएगा। अरे यार, लेटरिंग के गेट पर ताला लगा है, जरूर तुम्हारे ही काम होंगे। वैसे तेरा लेटरिंग का गेट कितना बड़ा है जो ताला लगाना पड़ रहा है? अकल की अंधी, ये देख, इस लेटरिंग के गेट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बोला? ये तो रात में मैंने ही लगा दिया था नशे में, और चाबी मुझसे खो गई है। लेकिन मुझे तो बहुत जोर से लगी है, अब मैं क्या करूँ? बाहर चले जाओ बाहर, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। अरे बड़ी जल्दी आ गए फेंक कर। किसी से जिक्र मत करना, जंगल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मैं पड़ोसियों की छत पर ही करके आ गया हूँ। चल बेवकूफ आदमी। तू है ना बेवकूफ, ताला लगाने की जरूरत क्या थी? बाथरूम के अंदर टंकी में पानी नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन मरा है छत पर जाकर। क्या हुआ ताई, क्यों फंदी आ रही हो? लल्ला छत पर हगाया कोई, कीड़े पड़ेंगे उसे कीड़े। अरे ताई गाली क्यों दे रही है, छत पर ही तो हगा है, चूल्हे पर कोई थोड़ी हगा है। अरे लल्ला तुझे नहीं पता, जब बरसात में बिजली नहीं आती है तो हम छत से आने वाले पानी को पीते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से सब्जी बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे भी पीने के लिए पानी की बहुत दिक्कत आती है बरसात में। इसीलिए तो छत को साफ सुथरा रखती हूँ मैं, मैंने तो छत पर केमिकल भी लगाया हुआ है। कैसा केमिकल? अगर मेरी छत पर जाकर कोई बैठ जाए तो उसका पिछवाड़ा 3 घंटे के अंदर काला पड़ जाएगा और दर्द करेगा। ये तू क्या बात कर रही है ताई? और ऐसी हालत में कोई पिछवाड़े पर लात मार दे तो पिछवाड़े के 2 भी हो सकते हैं। क्या? चलती हूँ लल्ला मैं। असली अनर्थ तो अब हुआ है, जब भी ये पी लेती है तो मेरा पिछवाड़ा ही तोड़ती है। इसकी तो चाबी गुम हो गई थी मैंने सुना था। हाँ, अब मिल गई। तो जा कहाँ रही है, इसमें इसकी तो टंकी बंद है ना? वो मैं देख लूंगी सब। अरे तो पानी तो लेकर जा, एक बोतल ही ले जा। बोतल तो मेरी अंदर रखी हुई है। बोतल अंदर रखी है, हमारे तो इसका दिमाग ही हाथ ना आता। मेरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है लगता है, काला पड़ गया होगा। अयो कैसा केमिकल बिछाया है छत पर, इस बुढ़िया ने पूरे पिछवाड़े में चिरमिराट मार रही है। अच्छा तो यहाँ आराम फरमा रहा है। अरे मर गया, मार दिया, तोड़ दिया, कर दिए दो लगता है। क्यों नाटक कर रहा है, इतनी जोर से तो लात भी नहीं पड़ी, ऐसे तो मैं रोज ही मारती रहती हूँ। लगता है मेरे दोनों खरबूजे अलग अलग हो गए। पहले पूरी बोतल खत्म कर दूं, उसके बाद बात करती हूँ तुझसे। मर गया मर गया, जब भी लैटरिन के अंदर जाती है पी के निकलती है। लैटरिन के अंदर ठेका है क्या दारू का? अब हुई है पूरी खत्म, अब इस खाली बोतल को कहाँ फेंकूं? मर गया, लगता है बचा हुआ भी गया। अरे कैसे मरा जा रहा है, रोज न खाता है लात? रोज की बात अलग है, तू भी पूरी कर ले अगर रह गई हो कोई कसर। उधर बुढ़िया का केमिकल भी दिखा रहा है असर। अरे होता होगा केमिकल का असर। गेम ओवर। अरे क्या हुआ, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? लगता है मर गया। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे, अपने ही हाथों से, सॉरी अपने ही लातों से अपने ही पति की जान ले ली। मुझे विधवा होने का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अब पिछवाड़े पर मेरी लात कौन खाएगा। लो बताओ, जले हुए पिछवाड़े पर बोतल फेंक कर मारी है इसने, फिर ले आई। इसके बाप को ही फोन करता हूँ। हेलो ससुर जी, तुम बोलते थे कि तुम्हारी लौंडिया बहुत शरीफ है। अरे तू टेस्ट करवा के देख ले, इसके अंदर शराफत नहीं, शराब निकलेगी शराब। अरे हुआ क्या, सारे मुंह दिखाई कि पैसे की दारू पी गई। तो खुद आकर देख लेना बुड्ढे। आजा आजा तू भी आजा, देख ले अपनी लौंडिया की हरकत। कैसे हो पति देव, पिछवाड़ा कैसा है आपका?
ठीक है, सांडे के तेल की मालिश करिए अभी। पिछवाड़े पर सांडे का तेल लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरी मान तो दो ढक्कन दारू डाले दारू। तुझे दारू के अलावा और कुछ दिखाई देता भी है या नहीं? ये दारू नहीं, दवा होती है दवा। 100 मर्जी की एक दवा, आगे तेरी मर्जी। अबे कौन है गेट पर? अबे गेट नहीं खुल रहा है, तू दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जा। इतनी देर से बेल बज रही है, गेट नहीं खोल सकती? पीने में मस्त है। अभी बताती हूँ तुझे, 2 घूंट बचे हैं बस। अबे कहाँ गया छलाबे? अरे उठो ससुर जी, लगता है बत्ती गुल हो गई इसकी। क्या हुआ, बेहोश हो गए थे क्या? नहीं, मुझे लगा अभी तुम और मारोगे, इसलिए मैं बेहोशी का नाटक कर रहा था। लौंडिया तो है ही जैसे भी है, बाप उससे बड़ा नौटंकी है। ठीक है बाबूजी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाने पीने का जुगाड़ करती हूँ। खाने का तो बाद में देख लेंगे, तू पहले पीने का जुगाड़ कर। ससुर जी ये क्या कह रहे हो आप, लौंडिया के घर की तो पानी तक नहीं पीते। बावड़ी पूछ पानी ना पीते, तभी तो मैं दारू मांग रहा हूँ। इसका तो ऐसे ही है, मैं लेकर आती हूँ बोतल। शाबाश मेरी बेटी। तू अपनी लड़की को समझाने आया था या खुद पीने आया था? बाबूजी तुम पियो। ये तो शादी से पहले भी मेरे साथ बैठकर पैग मारती थी। इसकी डॉट कैसे खुलेगी? अरे बाबूजी ऐसे नहीं खुलेगी ये। अरे अरे ये तो मेरी है, थोड़ी बहुत तो छोड़ दे, 1-2 घूंट। सारी खींच गई, घर आए मेहमान का तो लिहाज करती। ओए कौन है तू और क्या भौंक रहा है यहाँ पर? क्या तू अपने बाप को ऐसा बोल रही है? 2 घूंट पीने के बाद भूल गई कि मैं तेरा पापा हूँ। पापा नहीं पापी है तू, मुझे अपने साथ बैठा कर पैक देता था। अगर उस वक्त मुझे रोक लिया होता तो मैं शराबी नहीं बनती। मेरी आदत तूने खराब की है, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये क्या लेके आ गई? मुझे तो नहीं मारोगी? अपने बाप के साथ चाहे कुछ भी कर, मैं आज तुम दोनों को ही काट पीट कर बराबर कर दूंगी। दामाद जी कुछ करो। मैं क्या करूं? और मंगा ले दारू। मैंने सुना है पीने के बाद औरत में 4 चुड़ैलों की ताकत आ जाती है। नहीं सुना है बुड्ढे, इसमें तो 8 की आती है।